मान लीजिए आपको एक समस्या है या आपको सपनों में पकड़ हो रही है या आपको कोई बार बार शैतानी एनर्जी या बुरी शक्ति आके सूक्ष्म जगत में या सपनों की दुनिया में दबोच लेती है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए मुझे आपके सपनों की दुनिया में ट्रेवल करना पड़ेगा, उस सपनों की दुनिया में जाके आपको हील करना पड़ेगा आपको। आप बट हाउ इज इट पॉसिबल, आप मेरे सपनों में कैसे आ जाएंगे? मैंने बोला देखिए आज से कई साल पहले भी मैंने उन्हीं का नाम लिया था, अब भी उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। और एक चीज और बताता हूँ, जिस सपने में आप गए थे ना, जब आप उस घर में घुसे थे और आप जो सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे वो सीढ़ी गोल थी। ये आपको कैसे पता था डिटेलिंग? मैं बता रहा हूँ, उसके बाद उन्हें यकीन, वो उठ के खड़े हो गए और उसने मुझे प्रणाम किया कि ये कैसे पता है कि वो बोल रहे हैं कि आप करियर में परेशान हो तो ये सपना आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि ये सपना आ रहा है इसलिए आप करियर में परेशान हो। कैसे, क्या मतलब है सपने? हेलो एंड वेलकम, एस्ट्रो गुरु राज सरकार जी के साथ आज हम मौजूद हैं स्टूडियो में। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। थैंक यू राज जी। आज ना हम सपनों पे बात करेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत जानना चाहती है कि ये सपने क्या होते हैं। लोगों को ना कई तरीके के सपने आते हैं, मुझे भी ऐसे सपने आते हैं, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। और अगर आप साइंटिफिक वे देखें तो उनका अलग एक्सप्लेनेशन होता है, लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं उनका एक्सप्लेनेशन अलग होता है। तो आखिर ये क्या सपने क्या होते हैं? ये क्या सबकॉन्शियस माइंड का नतीजा होता है या कुछ सोल्स आके कनेक्ट करती हैं, मतलब क्या होता है? की जो दुनिया है वो अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। आप देखिए जितना समय भी आप सो रहे हैं तो आप उस दुनिया में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सपने याद ही नहीं रहते। हाँ, मेरे हस्बैंड उन्हीं में से एक है। वो आते हैं, ब्लेस्ड है। हाँ, वो ब्लेस्ड है, पता नहीं वो या वो ब्लेसिंग्स नहीं है, शाप है या ब्लेसिंग्स है, वो बात की बात है। क्योंकि आप जब उस डायमेंशन में जाते हो, आपका सूक्ष्म जगत में जब आप जाते हो, तो बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो आपको जानती हैं उस समय आपसे मिलती हैं। वो एक ऐसा समय है, मिलने का समय उसे माना जाता है। क्योंकि जब भी आप दर्शन शास्त्र में जाओगे या आप बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें सपनों की दुनिया का बहुत महत्व है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जब भी आपको प्रभु के दर्शन होने वाले होंगे या आपकी कोई सिद्धि या आपकी कोई ऐसी साधना प्रबल होगी और उस साधना को पूर्ण होने का समय होगा, तो सूक्ष्म जगत में ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। जैसे हम मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजते हैं ना, तो अब जब उसमें आपने व्हाट्सएप डाउनलोड ही नहीं किया या मैसेंजर ऑन ही नहीं किया तो आपको कैसे आएंगे मैसेज? तो ये तो हमारा एक तरीके का वो हिस्सा है कि जो आपको आने वाले वक्त के बारे में कहीं ना कहीं चेतावनी देता रहता है, कहीं ना कहीं वो सुचेत करता है, कहीं ना कहीं आपको होने वाली घटनाओं को पहले पता चल जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये हर स्पिरिचुअल इंसान के साथ ही होता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, जो भगवान को मानता है या नहीं मानता, ये क्योंकि ये अलग दुनिया, ये डिपार्टमेंट ही अलग है। तो वो आपको अगर तो ब्लेस्ड हो कि उस सपनों को और अच्छे से समझ पा रहे हो या उसके बारे में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बहुत सारी अपने जीवन की पहेलियों को सपने में ही सुलझा लोगे। अच्छा, एक सपना कई लोगों से मैंने सुना है ये, मैंने कई सारे लाइव्स भी किए हैं इस पे, तो उन लोगों का यही कहना होता है कि हमें बचपन से एक सपना जो हमें अभी तक आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन उस मिस्ट्री का हल नहीं पता है। और वो ऐसा सपना नहीं होता है कि मतलब जो आपकी एनजाइटी से या आपकी डे टू डे रूटीन से जुड़ा, बड़ा अलग सी सपना है। जैसे मुझे एक सपना आता है कि मैं बहुत बड़ी फील्ड हूँ, बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें चल रही हूँ, थोड़ा मैं दौड़ते दौड़ते मैं 2 फीट उठी, आसमान में दौड़ रही हूँ, और मैं फिर घर आके अपने डैड को बता रही हूँ, उड़ रही हूँ, मतलब हाँ उड़ रही हूँ, मतलब मैं जमीन पे नहीं चल रही हूँ, मैं आसमान में चल रही हूँ, चलते हुए उड़ रहे हो। एंड यू वोंट बिलीव राज जी कि जब मैं उठती हूँ ना, तो एक वो वाली फीलिंग नहीं होती है कि आप इतने खुश हो, जो खुशी आपको कोई चीज दुनिया में नहीं दे सकती। और मैं पता वेट करती हूँ और सालों सालों नहीं आता, वो बहुत ब्लेस्ड दिन होता है, बहुत ब्लेस्ड रात होती है जिस दिन वो सपना आता है। तो मतलब क्यों आता है ऐसा एक पर्टिकुलर सपना आपको क्यों बचपन से आता है? आपका जो शरीर है, बॉडी है, और जब आप अगर पढ़ेंगे इस बारे में, तो जब आप सो रहे होते हो तो सोना भी एक तरीके से मृत्यु के समान ही माना जाता है। कि आपका शरीर तो है लेकिन आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी
को छोड़कर आप सूक्ष्म जगत में विचर रहे हो या उसमें ट्रैवल कर रहे हो, तो उस समय जो भी शक्तियां आपके बहुत नजदीक हैं, बहुत करीब हैं, जो आपको बताना चाहती हैं बहुत कुछ, चाहे वो आपकी अपनी है, चाहे वो पिछले जन्म की है, चाहे इस जन्म की है, चाहे वो क्या आपकी वो यात्रा रही, किस किस डायमेंशन में आप रहे, क्या क्या आपने प्राप्तियां की, क्या क्या प्राप्तियां कर सकते हो, वो सब वो शक्तियां आपको सपनों के माध्यम से बताती हैं। क्यों? क्योंकि आप आपके पास वही एक टाइम होता है जब वो समय आप अपने शरीर और आत्मा को दे रहे होते हो। क्या मतलब? आप दुनियादारी के का? हाँ, जैसे दुनियादारी के पूरे आप पूरा दिन क्या करते हैं, जब तक हम जागते हैं हम क्या करते हैं, हम सारा सारा अपनी का सारा डे टू डे लाइफ जीते हैं, दुनियादारी, सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी। जो स्पिरिचुअल इंसान है उसमें ये होता है कि वो अपनी साधना करता है, या वो अपनी समाधि में बैठेगा, या वो ध्यान में बैठेगा, या मेडिटेशन करेगा, तो उसमें वो उस जगत में चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान, 9 to 5 जॉब वाला इंसान, या वो जो पूरा पूरा दिन बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, वो उसको अपना वक्त वो इस तरीके से बिता रहा है कि वो हर समय किसी ना किसी दुनियावी कर्म में व्यस्त है। ठीक है, तो उसको समय कब मिलेगा? जब वो सो रहा होगा। ठीक है, और शक्तियां इंतजार करती हैं, क्योंकि वो दिन के समय तो कोई कनेक्शन क्रिएट ही नहीं करना चाहता, ना उसके पास कोई गुरु है, ना उसके पास कोई जरिया है, ना वो उस चीज को एक्टिव करता है, ना वो चाहता है। अगर उसे दिन में सिग्नल मिल भी रहे होंगे तो बहुत ब्लर होंगे, वो बहुत ही ऐसे होंगे कि वो समझेगा, फिर वो इंसानी दिमाग लगाएगा कि मेरा वहम हो सकता है, छोड़ो आगे चलते हैं। तो वो बहुत तरीके से अप्रोच करने के बाद फिर फाइनल क्या आता है उनके पास, एक रास्ता कि सपनों की दुनिया में आपको एक मैसेज दिया जाए। अब आपने जैसे अपना सपना मुझे बताया कि आप उड़ रहे हो सपने में, और आप इंतजार करते हो फिर से उसी उड़ने का, तो उस समय वो जो आत्मा है, जो आपकी आत्मा है, जो इस शरीर में कैद है, वो उस समय फ्री फील कर रही है, और वो हो सकता है आपकी एक ऐसी यात्रा को दिखा रही है बार बार, जो यात्रा आपने कभी की हो किसी जन्म में, या आने वाले समय में आप स्पिरिचुअली इतना अच्छी अवस्था प्राप्त कर लो कि वो आत्मा, क्योंकि आपके अंदर वो गुण या वो भाव या वो एक फील है, आपने उस फील को सपनों में फील किया है, लेकिन वो फील तो है कि आत्मा ऐसा भी फील करती है, मेरे मैं उस समय इतनी खुश होती हूँ जैसे पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया, जबकि बहुत देखा जाए तो बहुत छोटी सी चीज है। अगर कोई देखने वाला सोचेगा कि क्या है ये, आप सपनों में उड़ रहे हो तो बस हो गया, फील ही नहीं कर सकता, कैसे होता है? आप तो जो फील कर रहे हो मुझे लगता है वो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो कि उस समय आप क्या फील करते हो। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे सपने देखते हैं, और उन सपनों के मायने हैं, वो सिर्फ इल्यूजन नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो सिर्फ एक सिर्फ आपका वहम नहीं है, वो पूरी की पूरी एक दुनिया है, एक अलग दुनिया है। और वो ऐसी दुनिया है, उसमें रहने वाला व्यक्ति या उसको जानने वाला व्यक्ति या उसको समझने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी सच्चाइयां आपके सामने ला के रख सकता है, सिर्फ आपके सपनों को की पहेली को सुलझाकर। अच्छा राजी, कई बार बहुत भूत प्रेत के सपने भी आते हैं, मतलब आप बहुत डिमोनिक पावर्स को देखते हो कि आपके पीछे पड़ी हुई हैं, आप भाग रहे हो, आप मंदिर भी जा रहे हो, तो आप मतलब आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो ये क्या मतलब, ये क्या हमारा कोई डर है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है? मतलब अगर मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने भी बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की, तो कई रिसर्च थ्योरी में बताया हुआ है कि जब आप अपने करियर में परेशान होते हो, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो इस टाइप से के सपने आपको आते हैं, बिकॉज आपका दिमाग बहुत एंशियस होता है। देखिए, उन्होंने रिसर्च अपने तरीके से की और मेरी रिसर्च थोड़ी अलग है। ठीक है, उन्होंने बताया क्योंकि आप करियर में परेशान हो तो ये सपने आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये सपना आ रहा है इसलिए आप करियर में परेशान हो। अच्छा, ठीक है, अब आप समझिए हाँ। कि वो बोल रहे हैं कि आप करियर में परेशान हो तो ये सपना आ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये सपना आ रहा है इसलिए आप करियर में परेशान हो। कैसे, क्या मतलब है सपने? कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी जिसको आपकी सोल आइडेंटिफाई कर रही है, जिसको पता है कि कोई ऐसी एनर्जी मेरे पीछे लगी हुई है जहां मैं बहुत अनसेफ हूँ, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, कोई वहां से एक वाइब्रेशन दी जा रही है जो मेरे आने वाले समय को खराब कर रही है, या मेरे फ्यूचर पे कोई काला साया है, कोई ऐसी वाइब्रेशन है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है। अब उस समय हम क्या समझते हैं, वो सपना ही तो था, क्या हो गया, मैं जिंदा ही तो हूँ। कभी कभी आपको इतने वो लोग जिनको सपनों में पकड़ हो जाती है, मतलब जिनको आप ये मान लीजिए स्लीपिंग पैरालिसिस जिसे बोलते हैं, स्लीप पैरालिसिस या ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको साइंस बोलती है, लेकिन वो जब
उस समय वो आत्मा आपकी जो है वो इतना पेन में, आपका शरीर तक उस पेन को फील कर पाता है, जबकि वो आप सूक्ष्म जगत में ट्रेवल कर रहे हो, वो जो पेन उस समय आत्मा को दिया जा रहा है, या वो एक आत्मा एक्सपीरियंस कर रही है, वो एक ऐसे जोन में गई है जहां वो सिर्फ देख रही है, कुछ रियल में नहीं हो रहा। ये आपके कॉन्शियस ब्रेन को पता है कि रियल में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उस फेज में हो या उस दुनिया में हो तो आपका शरीर तक पेन महसूस करता है। कभी कभी मैंने कई लोगों को ये देखा है, उनको लगा कि पूरी रात किसी ने उनके एक हाथ को ऐसे कोई तोड़ती रही चीज, और उनके वो दर्द एक एक हफ्ता नहीं गया उस हाथ से, उठने के बाद भी उनको वो दर्द रहा। किसी को लगा कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, ठीक है, उसको हम अलग अलग तरीके से साइंस या हम बोलते हैं नहीं नहीं वहम है क्योंकि आपने चेस्ट पे हाथ रख के सोए होंगे, आप उल्टे सो गए थे, आपने पिल्लो ऊपर रख लिया था, आपने ये कर लिया था, सारी चीजें हैं, सब कुछ है, वो भी एक फैक्ट है। लेकिन जब वो आत्मा उस जगत में घूम रही है, ट्रैवल कर रही है, विचरण कर रही है, तो उसके एक्सपीरियंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो जो चीज हर एक कण में एक संकेत है, समझने वाला चाहिए। आपका जिस दिन आपका नजरिया बदल जाता है, नजारे अपने आप बदलने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हम क्या इंटरप्रिटेशन करें इसका, कि अगर किसी को ऐसे डिमोनिक पावर्स के सपने आ रहे हैं तो उनके साथ कोई एंटिटी लगी हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई लगातार ऐसे सपनों को देख रहा है तो वो एक आत्मा का सिग्नल है जो वो उस व्यक्ति को बता रही है, उस बॉडी को वो बता रही है कि इस पे काम किया जाना चाहिए, अब हेल्प की जरूरत है। क्योंकि वो जो सपनों में हम जिसे देख पा रहे हैं वो रियलिटी में इम्पैक्ट करने लग गई है चीज। तो ये डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं हम कि मेल है या फीमेल है? नहीं, मतलब वो सारी चीजें देखिए, वो जब एक्सपर्ट्स बैठेंगे, जब आप एक राइट गाइड के पास जाएंगे, तो वो आपको अपने आप उस चीज के बारे में पूरा क्लियर बता देंगे। आप ऐसे पहचान लेते हैं कि ये तो ऊटपटांग सपने आ रहे हैं, इसको इसका कोई मतलब नहीं है? मेरे लिए सपने की बहुत वैल्यू है। ऊटपटांग कभी भी आप एक छोटी से छोटी चीज भी अगर सपने में देख रहे हो, उसका भी एक मीनिंग है। हर एक सपने का मीनिंग है। अभी बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, तो उनको अभी मैं प्रेडिक्शन कर रहा था, हम बैठे हुए थे, तो मैंने बोला ये लोग ना कुछ आपके लिए गलत कर रहे हैं और आपकी फैमिली के लिए। तो उन्होंने बोला कैसे बोल सकते हो? मैंने बोला आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आपके पास इस चीज की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ये आपका ऑरा बता रहा है, ये लाइन आ गई जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, मैंने ये लाइन आ चुकी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। मैंने बोला मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, मैंने बोला सिर्फ आप चंद दिन पहले के सपनों का ध्यान करिए। मैंने बोला हाँ, एक सपना आया था। मैं सपना बताइए। मैंने बोला मुझे सपने में एक डॉक्टर साहब हैं, उनके घर में मुझे बुलाया गया कि डॉक्टर साहब आपको अपने घर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं उठ के उनके घर गया और उनके घर में जब एंटर हुआ तो उन्होंने वहां, मैं एंटर होने के बाद देखता हूँ डॉक्टर साहब नहीं है वहां पे, एक व्यक्ति है जो उन्हीं की फैमिली का है, वो अपनी शेप बना रहा है, दाढ़ी बना रहा है, और वो मुझे देखते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैं बोलता हूँ आप डॉक्टर साहब के घर में क्या कर रहे हो? तो वहां से उनकी वो वाइफ आती है, जो शेप बना रहे थे व्यक्ति, उनकी वाइफ आती है सपने में, जो उनकी बहुत करीबी रिश्तेदार है, वो बोलती है अब तुम भी यहां पहुंच गए। ठीक है, वो सपना कंप्लीट हुआ, खत्म हो गया वो सपना वहीं। उन्होंने बोला आप कैसे बोल सकते हो कि ये सपना, वो मुझे वो दिखे हैं तो वही कर रहे हैं। मैंने बोला मुझे एक चीज, वो जो शेफ बना रहे थे वो कर रहे थे, हाँ, कि वो ही कर रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मेरे जितने लोग क्लाइंट्स हैं मैक्सिमम वो ऐसे हैं कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बहुत जल्दी विश्वास करने वाला इन चीज़ों पे नहीं है। सब वो लोग हैं जिन्हें लॉजिक्स के साथ ही आप बात करोगे तो वो आपको फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो तो नंबर ब्लॉक मार देंगे। ठीक है, तो उनको मैं कुछ भी बोलूं वो मान जाए, ऐसा ना मैं कभी खुद चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि वो अपने IQ लेवल या अपनी उस दूरदृष्टि को ख़त्म करें। उन्होंने बोला आप कैसे बोल सकते हो कि वो है? मैंने बोला देखिए आज से कई साल पहले भी मैंने उन्हीं का नाम लिया था, अब भी उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। और एक चीज और बताता हूँ, जिस सपने में आप गए थे ना,
जब आप उस घर में घुसे थे और आप जो सीढ़ी चढ़ के जा रहे थे वो सीढ़ी गोल थी। ये आपको कैसे पता इतनी डिटेलिंग? मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उन्हें यकीन, वो उठ के खड़े हो गए और उसने मुझे प्रणाम किया कि ये कैसे पता है। आज भी रास्ते में आते आते उनका फोन आया कि आप ये बताओ आप कैसे करते हो। मैंने वो छोड़ दो, आप मैं कैसे करता हूँ वो छोड़ो, लेकिन उनके कुछ काम थे। मैंने बोला वो काम हो जाएंगे वो छोड़ो, मैं कैसे करता हूँ वो। तो मतलब सपने ने उनको बता दिया पहले ही, बट उनको पता नहीं था बेचारे, मतलब मैंने बहुत साल पहले बताया होगा उनको, डायरेक्टली नहीं बताया था, उन्हीं के परिवार के एक मेंबर को बताया था। तो वो बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करते इन चीजों पे, ठीक है। तो लेकिन हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, एक प्रेम है, एक अटैचमेंट है। तो हम बैठे तो उन्होंने बोला कि मैं एक बात मुझे करनी है। तो वो जब बात हुई तो वो फिर बात हुई तो हुई बात, वो फिर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी। वो जब सीढ़ी उनको दिखाई मैंने कि आपको याद है जब आप वहां से यूं निकल के गए थे, वो जो सीढ़ी पे आप चढ़ के जा रहे थे वो गोल थी सीढ़ी। तो बोले ये कैसे पता, ये तो मैंने बताया नहीं है। मैंने ये सपनों की दुनिया है जिसको आप या तो ध्यान से देख सकते हो या अपने सपनों में जाके देख सकते हो। तो इस पे हॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज बनाई, तो बहुत ये चीजें ऐसी नहीं है कि हमारा भ्रम या हमें महसूस हो रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिन जो ब्लेस्ड है, जिनके पास ये शक्तियां हैं। 2008 में हमने मल्टीवर्स, जो अब हॉलीवुड की मूवी आई उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे 2008 में, और वो बार बार ये बोलता था कि आपको पता है ये दुनिया होती है, मैंने आपको देखा है, 2-3 बार देखा है मैंने आपको। उसने एक अपना सपना बताया मुझे कि मुझे पता है आपका एक सपना आया और आप एक क्लास है उसमें जो टीचर है वो आप हो, गुरु हो आप, और आप सबको पढ़ा रहे हो, हम लाइन से सब बैठे हुए हैं, और जो मेरे पीछे बैठा हुआ है वो भी आप ही बैठे हुए हो। अरे भाई, और आप जो मेरे पीछे बैठे हो, आप स्टूडेंट हो, वो बहुत शरारती हो, और जो आप पढ़ा रहे हो मुझे वहां पे वो आप बहुत सीरियस हो और एज आपकी ज्यादा है, ठीक है। तो धीरे 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 उसने वो चीजें मुझे बतानी शुरू की। ऐसे एक और एक्सपीरियंस बताया कि आपको पता है एक बार मैंने आपको देखा और आपका इस प्लैनेट पे घर नहीं था, वो किसी और प्लैनेट पे था, वो पूरा घर क्रिस्टल का था। वो इन्फॉर्मेशन देता है जो सिर्फ मैं ध्यान में जाके देखता हूँ, जो सिर्फ मेरे गुरुदेव, मेरी ईष्ट, मेरी कुल देवी मुझे हाईलाइट चीजें करते, वो व्यक्ति जाके देख लेता है उसको सपनों की दुनिया में जाकर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ बता रहा हूं तो आप मेरी बात पे विश्वास करो। बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में भी ऐसी है कि मैं उनको नहीं मानता था किसी समय तक, क्योंकि मैं प्रोफेशन से लॉयर हूं, मैं बाल की खाल उधेड़ के चलने वाला इंसान हूं। मैं कोई ऐसी किसी भी बेतुकी चीज पे ऐसे फालतू चलने ना खुद चलूंगा ना मैं लोगों को चलने दूंगा। मेरा मार्ग ही पूरा सच्चाई का है। जिस चीज पे मुझे खुद विश्वास नहीं होगा उसको मैं ना खुद मानूंगा ना किसी और को मानने दूंगा। लेकिन जब सपनों की दुनिया का आज से 2008 में ये मेरा सब्जेक्ट शुरू हुआ था, जिसको आज भी मैं जिसपे रिसर्च मेरी चल रही है, वो इतना, उसके बाद फिर हॉलीवुड की एक मूवी आ गई डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स, फिर एक और मूवी थी सपनों की दुनिया को लेके, इंसेप्शन, ठीक है। तो वो जब वो चीजें आपके सामने जो आप सोच रहे हो उस पे एक व्यक्ति किसी और कंट्री में बैठ के पूरा उस सब्जेक्ट पे एक मूवी बना रहा है, इतना पूरी टीम, इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मतलब फिर तो डाउट करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा और सपनों की दुनिया में जाएंगे। हाँ जी राजी, कि कई बार हमने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना है कि दादाजी को तो डेथ के पहले सपने आना शुरू हो गए थे, उन्होंने हमें बताया था और ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, बेटा अब तो मेरा जीवन लग रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है कि डेथ के पहले कुछ विजन्स आपको मिल जाते हैं तो आप ऐसे भाप जाते हो, या क्या पता आप भाप ना पाए हो, आपने अपनी फैमिली से शेयर किया हो और अचानक से अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई हो और फिर फैमिली वाले डिस्कस करें कि ये जो हमारे, ये तो बता रहा था यार हमें, ये जो मनुष्य की यात्रा है ना इस प्लैनेट पे, ये इसको मृत्युलोक भी बोला जाता है, इसको कर्म भूमि भी बोला जाता है, ठीक है। तो मृत्युलोक अगर हमारे वेद शास्त्र में पढ़ेंगे तो इसे मृत्युलोक इस प्लैनेट को क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इसमें आया है, जो जिस चीज की उत्पत्ति हुई है वो खत्म होगी, एक चीज, वो चाहे व्यक्ति है चाहे प्रभु खुद भी इस प्लैनेट पे आए, तो वो उनको इस प्लैनेट को छोड़ के जाना पड़ा। ये नियम है सृष्टि का, ये इस प्लैनेट का नियम है, इसे इसीलिए मृत्यु लोक बोला जाता है।
और मृत्यु लोग में जब आपका समय समाप्त होने वाला होता है, अगेन वही बात आ जाएगी नोटिफिकेशन की, तो आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब जिसके सेंसेस ओपन है उसको अच्छी भी चीज़ दिखेगी, उसको बुरी चीज़ भी दिखेगी। जिसके सेंसेस ओपन है, जिसको जिसने अपनी इंद्रियों पर काम किया, तो जो संकेत हैं सूक्ष्म जगत में सपनों में बिल्कुल आएंगे। इसको अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी मृत्यु से 6 मंथ्स पहले आपको बताना शुरू कर दिया जाता है कि आपका समय कम है, अभी भी कुछ अच्छी कमाई कर सकते हो तो कर लो। क्या सपने होते हैं वो? सपने जैसे आपको, आप इसमें सबसे कॉमन जो चीज है वो आपके ही पितृ सबसे पहले हाईलाइट होंगे आपके सपनों में, और वो बात नहीं करेंगे आपसे, वो सिर्फ और सिर्फ इशारा करेंगे हमारे साथ आइए, बात नहीं करेंगे। अगर वो बात करते हैं इट मीन्स यू आर सेफ, आप बचे हुए हो। अगर वो बात नहीं कर रहे हो और इशारा कर रहे हैं, या इशारा किए बिना वो आपको जाते हुए दिख रहे हैं और आप उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए जा रहे हो, इट मीन्स आपका टाइम नजदीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी दुनिया में ले जाके आपसे बातें करते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर वापस भेज देते हैं, इट मीन्स यू आर सेफ, वो कुछ और मैसेज था। तो एक तो सबसे पहला सिग्नल ये, दूसरा आप देखेंगे मृत्यु होने से पहले बहुत सारे लोगों की मति हर ली जाती है, एक एज होने के बाद कम सुनाई देता है, बोलने में दिक्कत आती है, खाने में दिक्कत आती है, सोचने में दिक्कत आती है, आपको इल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं आपका ब्रेन वीक हो गया, इसका मतलब ये है कि अब जाने की तैयारी हो रही है, यहां से सब समेटा जा रहा है आपका। तो आप क्या करते हो उस समय, आपको जो इल्यूजन्स भी होते हैं उसमें आपको आवाजें आ रही होती हैं, कोई मारने आ गया, कोई पीछे पड़ा हुआ है, फिर आपके परिवार के गए हुए लोग जिनकी मृत्यु हो गई वो बिना सपने के भी सामने सामने फील होने शुरू हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं कि वो आ गया। आप बड़े प्रेम से देखते हो कि अच्छा वो आ गया लेने मुझे, ठीक है। और फिर आप देखोगे ये जो एक्सपीरियंस है इसके चंद दिनों बाद वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका सफर समाप्त हो जाता है। और एक चीज और, जैसे मैं मृत्यु का नाम ले रहा हूँ आपको बहुत डर और घबराहट और चिंता हो रही है, ठीक है। और अभी पिछले 3 साल से जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट ही मृत्यु है, हम काम ही इसी पे कर रहे हैं, ठीक है। मेरी पूरी की पूरी टीम, मैं, हम इसी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिकॉज सबके मन में सबसे ज़्यादा डर मृत्यु का ही है। और एक चीज़ और बताता हूँ जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है, मैं सॉरी थोड़ा सा मेरा टॉपिक हल्का सा चेंज हो रहा है लेकिन फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर है मृत्यु का, हम उसे ही भूल के जीते हैं, ठीक है। उसे भूलकर हम जी रहे हैं और पता है कि चले जाना है, लेकिन सबको भूल चुका है कि वो एक दिन जाएगा, उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। और उससे पहले सिग्नल आए ना आए लेकिन जाना है, सबने जाना है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ आप ये देखिए कि सपनों के जरिए आपको अगर सिग्नल मिल रहे हैं कि आपको जाना है तो अपने कर्म और अच्छे कर लीजिए, वो समेट लीजिए सारी चीज़ें, वो अपने मोह पाश और सारी चीज़ें जो जिसमें आप बाधित हो या बंधन में हो वो धीरे 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 उससे निकलना शुरू हो जाइए, क्योंकि आपको जाना है। ये वैसे भी परमानेंट नहीं था, हम सिर्फ एक दुनिया देखने के लिए आए थे जिसमें अगर हमने कुछ अच्छा किया तो हम उसको ही लेके जाएंगे साथ। इसके अलावा भी कोई ऐसे लाइक साइंस हैं, जैसे कि सडन डेथ जो होती है, अचानक से कोई फैमिली मेंबर गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, खबर आई बिल्कुल चंगा था, कुछ दिक्कत नहीं थी, उस पे भी क्या कुछ आते हैं संकेत? देखिए उसमें भी संकेत, या तो जिसकी मृत्यु हुई है उसको भी आए होंगे कभी, या उसके परिवार वाले, सबसे ज्यादा जरूरी जो उसके बहुत करीब है मतलब माँ, ठीक है। अगर वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है अचानक, अगर उसकी माँ है तो माँ का हृदय विचलित होना शुरू हो गया होगा उसी समय से जब ऐसी रचना रची जा रही होगी, ठीक है। तो उनको आप देखिएगा बहुत सारे केसेस में ये होगा कि जब वो घर से निकले होंगे, जिनको भी ऐसे कोई परेशानी का सामना करना पड़ा जिसमें वो अचानक से मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ या मृत्यु ही हो गई, तो ऐसे व्यक्ति जब भी घर से निकले होंगे बहुत सारे संकेत उनको एक साथ मिले होंगे। कभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि माँ ने बोला कि आज मत जाओ, वाइफ ने बोला कि मुझे अच्छा भाव नहीं आ रहा, या बच्चों ने बोला कि आज ये नहीं ऐसा कर लेते। निकलने से पहले जहाँ आपने जाना था आपकी गाड़ी कुछ समय के लिए रुक गई,
आपको संकेत, आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस फील होनी शुरू हो गई, आपका मन जो है वो बहुत विचलित सा था, लेकिन आपने फिर भी डिसीजन लिया मुझे पहुंचना ही है, जिद पे थे। तो कुछ कुछ देखिए, ये सारी चीज़ें उस इंसान के लिए जो उन संकेतों को समझना चाहता है। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बारीकियां, ये सारी चीज़ें, ये सारा का सारा सिस्टम उस इंसान के लिए जो उन संकेतों को समझता है, जो अपने आप को ओपन रखता है संकेतों के लिए। और शक्तियाँ कभी भी डायरेक्ट बात नहीं करती, वो संकेतों से ही बात करती है। उनकी जो सबसे प्रथम एक स्टेज है, पहली फर्स्ट स्टेज है, वो सिग्नल्स हैं, वो साइंस हैं। आज के समय में आप देखेंगे जो लोग एंजल्स वर्क कर रहे हैं या एंजल्स से जुड़े हैं, तो नंबर्स जो है उनको हाईलाइट होते हैं, 1111, 2222, ऐसे ग्रुप में आते हैं नंबर्स, पूरा एक हर जगह उनको वही नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो उस समय जो एंजल्स हैं वो उनको एक मैसेज देना चाहती हैं। वो किसी ना किसी जो जुड़े हैं, जिनको ये संकेत पता है या जो इसके बारे में जानते हैं, और अगर नहीं भी पता, मेरे कहने पे आप उन संकेतों को समझने की कोशिश करना शुरू करो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आप एक बार समर्पित तो हो जाओ, आप एक बार कोशिश तो करो, अपना दिल के दरवाजे को खोलो तो सही उन संकेतों को समझने के लिए। तो वो आप एक कदम शक्तियों की तरफ बढ़ाएंगे, वो शक्तियां 10,000 कदम आपकी तरफ बढ़ा देंगी। और अनकंडीशनल, वो कोई कभी कंडीशन नहीं रखती हैं शक्तियाँ, वो हर समय आपके साथ चलने को तैयार है। लेकिन आप समर्पित होने चाहिए, आपका भाव बहुत सरल और प्रबल होना चाहिए। ये नहीं है कि हर बार आप शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए या उनसे कुछ उम्मीद करके ही उनके साथ जुड़ो। आजकल आप देखिए ना, हर चीज़ में क्या है, हर चीज़ में एक कंडीशन ह्यूमंस की तरफ से जा रही है। मेरा अगर ये काम हो गया ना, तो माता रानी मैं फिर ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो आप कभी ऐसे भी चले जाइए, कभी अपनी माँ से कोई हर बार कंडीशन रख के मिलने जाएगा। आपकी जैसे शादी हो चुकी है, आप हर बार बोलोगे मैं आऊंगी तो मुझे ये जरूर दे देना। माँ तो दयालु है, वो तो दे ही देगी, लेकिन वो जिस दिन आप इस भाव से जाओगे कि मैं तो सिर्फ आज मिलने आई थी, तो वो भी लुटा देंगी जो आप डिजर्व नहीं करते होंगे। तो कभी शक्तियों को अनकंडीशनल लव आप भी करके देखो, कभी उनके प्रेम में पागल होने की अवस्था में आ जाओ, वो सब आप पे नशावर कर देंगी। लास्ट क्वेश्चन ड्रीम से रिलेटेड में रहेगा, जैक उपचार क्या है, आप कुछ ये टेक्निक बताते हैं। जैक उपचार, देखिए अब हर चीज का एक अपना उपचार है, अब हर एक तरीका है। अलग अलग सिम्टम्स हर व्यक्ति को, जब भी अब किसी को बुखार होता है तो उसमें भी अलग अलग सिम्टम्स, ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से ज्योतिष में भी अलग अलग उपचार है हर उस व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर आप अपने सवाल को और विस्तार से पूछोगे तो मैं और अच्छे विस्तार से उसका आंसर। क्या ये ड्रीम्स से जुड़ा हुआ है, कुछ ड्रीम्स की हीलिंग है या कुछ अलग? देखिए ड्रीम्स से जुड़ा हुआ, आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक समस्या है, या आपको सपनों में पकड़ हो रही है, या आपको कोई बार बार शैतानी एनर्जी या बुरी शक्ति आके सूक्ष्म जगत में या सपनों की दुनिया में दबोच लेती है, ठीक है। तो अब उस चीज का अगर मैं ट्रीटमेंट रियल वर्ल्ड में करूंगा तो वो हो सकता है उतना सक्षम ना हो। तो उस चीज को ठीक करने के लिए मुझे आपके सपनों की दुनिया में ट्रेवल करना पड़ेगा, उस सपनों की दुनिया में जाके आपको हील करना पड़ेगा आपको। आप बट हाउ इज इट पॉसिबल, आप मेरे सपनों में कैसे आ जाएंगे? अब आप जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे जानते हैं, वो हंस रहे होंगे मेरे ऊपर इस वक्त। नहीं, आप नहीं हंस रहे होंगे, पता ही नहीं है। उनको याद आ गया होगा कि मैं कितनी बार उनके सपनों में जाके उनके काम करके आ चुका हूँ। बट कैसे, मतलब थोड़ा सा अगर आप एक्सपीरियंस बताइए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी की भी पूजा करते हैं या किसी को भी हील करते हैं, तो मेरा काम है, मैं उसको सोल हीलिंग बोलता हूँ, एक सूक्ष्म जगत की हीलिंग मानता हूँ। कोई आपको कोई ऐसा क्लाइंट याद आ रहा है अगर आप शेयर कर सके कि यार ये बंदा तो मेरे पास अपने ये प्रॉब्लम लेके आया था, ड्रीम्स में इसको ऐसा दिख रहा था और फिर मैं इस थ्रू, मतलब इस, हाँ, ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं। लोगों के मुझे फोन आते हैं कि याद आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ गया। लोगों के फोन आते हैं, अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, वो कुछ समय पहले जुड़े मुझसे और उनके घर में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज थी, अभी भी हैं, ठीक है, अभी भी हैं, पूरी तरह ठीक नहीं हुए क्योंकि अभी वो चल रहा है वर्क, उस पर काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है। तो उनको एक, जब वो मेरे पास आए तो मैंने पूरा उनको बताया फर्स्ट मीटिंग में कि ये चीज़ें हैं, तो फिर उनको टाइम दिया कि आप इस
समय आइएगा, फिर हम दोबारा मिलेंगे। तो आफ्टर 15 डेज के बाद वो दोबारा आते हैं मेरे पास। तो हमने बात की और मैंने एक पेपर पे कुछ टाइमिंग्स लिख के रख दिए, ठीक है, टाइमिंग्स लिख के रख दिए अपने अपनी सुविधा के लिए कि मुझे ये जब नेक्स्ट मेरी बात होगी तो मैं इनसे ये डिस्कस करूँगा। अब उनको अगले दिन उनका फ़ोन आ गया कि आप सपने में आए थे और आप हमारे घर में स्टे कर रहे थे, रात हमारे घर में सोए आप, और आप सुबह उठे, आपने नहाए, पूजा कर रहे हो आप हमारे मंदिर में बैठ के, और उसके बाद आपने कुछ समय की बात की कि मुझे यहाँ पे मैं पूरी रात आपके घर में पूजा करता रहा और पूजा करते करते ही मैं सो गया, और अब मुझे जो है आप चाय नाश्ता और कुछ खिलाइए। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस ला के मुझे खिलाई और उसके बाद उन्होंने मेरे पांव छुए और मैंने उन्हें ब्लेस किया, ठीक है, ये सपना हो गया। अब उस समय में, उस सपने के ड्यूरेशन में उन्होंने मुझे एक टाइम मेंशन किया कि आप ना उस इस समय आए थे, और मैंने भी फिर उनको बताया कि ये मैंने कुछ टाइम्स लिखे हैं क्योंकि वो जो चीज़ आपके घर में दिक्कत क्रिएट करती है वो 9:20 के बाद शुरू होती है, उसका एक 9:20 इवन रात को, फिर उसके बाद 11:25 पे, फिर उसके बाद 3:30 पे, फिर उसके बाद 5:50 तक वो अपनी एनर्जी रखती है। और मैं आज तक उनके घर में विजिट करने जब भी गया हूँ, मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मैंने पूरी ताकत लगा ली अपनी, मैं उनके घर में 9:20, मेरा टाइम फिक्स है, मैं 9:20 से पहले एंटर नहीं हो सकता। एक बार मैं 9 बजे उनके घर पहुंच गया बाहर, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, उनके फ़ोन नहीं उठ रहे, ठीक है, उनके घर के बाहर डॉग्स हैं, उनके घर के अंदर भी डॉग्स हैं, बहुत सारे डॉग्स हैं, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन उठ नहीं रहे, अंदर मैं जा नहीं सकता। जैसे 9:20 हुए मैं वापस निकलने वाला था, मुझे लगा यहाँ तो सो गए या घर पे नहीं है, पता नहीं क्या हुआ होगा, और उसी दौरान उनका फ़ोन आया कि गुरुजी आप घर के अंदर आ जाइए, फ़ोन हमने साइड पे रखे हुए थे और हम डिनर कर रहे थे और हमें लगा कि आपका फ़ोन आएगा और फ़ोन बेल बजेगी हम उठा लेंगे, और फ़ोन की बेल ही नहीं उन्हें सुनाई दे रही है, मतलब वो फ़ोन ही सबके साइलेंट है। तो वो एंटिटी क्या, मतलब वो आपको नुकसान नहीं करती है? नहीं, देखिए अगर हम किसी भी एनर्जी के दायरे में चले जाएंगे विदाउट प्रोटेक्शन, अगर हम उसके लिए गलत भाव रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो नुकसान करेगी, ठीक है। ये उस एनर्जी को भी पता होता है कि ये अगर व्यक्ति आ रहा है या हम इससे मिल रहे हैं या ये लोग इससे मिल रहे हैं, अगर कुछ हो सकता है ना, कभी हर बार एंटिटीज या एनर्जीज गलत नहीं होती, सोल्स गलत नहीं होती, वो बहुत बार स्टक होती हैं, बहुत बार उन्हें खुद एक रास्ता चाहिए होता है, लेकिन आप सोच के ये जाओगे कि आपने लड़ाई ही करनी है हर चीज से, तो फिर तो आपका भी नुकसान है, फिर हर किसी का नुकसान है। लेकिन आपने ये भाव रखा कि मुझे अगर प्रभु ने ये काम दिया है तो मैं इसको एक बहुत अच्छे भाव से करूं, मतलब अगर वो स्टक है कोई सोल तो उसका भी रास्ता बन जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करूं, ऐसा भाव रखूं। तो अब उनके घर में जो सोल्स हैं वो सोल्स किसी को हार्म नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ उसके कारण घर में डिस्टर्बेंस हुई क्योंकि उनकी प्रेजेंस अपने आप में एक बहुत हाई वाइब्रेशन दिखाती है। फिर आप सपने में जाके आपने तो उनको जो फर्स्ट हीलिंग हुई उनकी, वो सपने में जाके हुई, और उसके बाद एकदम उन्होंने बोला कि हमें एकदम इतना आराम है उस दिन से कि हमारी वो जितनी वो एक्टिविटीज थी और जो हम इतना बीमार और लो फील कर रहे थे, हमें आराम है। क्योंकि उनको पकड़ होती थी सपने में, वो चीज़ें एकदम सपने में आके उनको पकड़ लेती थी, किसी ना किसी परिवार के एक मेंबर को, उसके बाद उनके वो सपने आने बंद हो गए। तो सपने में जाके भी हीलिंग होती है। आपको जब सपने में किसी के जाना है, अगर पहली बात तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो व्यक्ति आपसे कितने दिल से, कितनी आत्मा से, कितने विश्वास से जुड़ा है, आप तभी तो जा पाओगे कि वो खुद कितना समर्पित है शक्तियों के प्रति, या अगर आप माध्यम हो तो वो उस माध्यम को कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, उस व्यक्ति को कितनी श्रद्धा भाव दे रहा है कि वो उसको समर्पित होता है कि हाँ आप ही करोगे। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ, मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आपने मना कर दिया? हाँ, मैंने मना कर दिया, बहुत डेंजरस है, मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं, मेरी अपनी भी लाइफ है, मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन उन लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा था, उन्होंने बोला करोगे तो आप ही करोगे। मैंने उनको आगे नाम तक बताया कि आप यहाँ 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 चले जाओ, आपके काम हो जाएंगे, ये और बढ़िया से करेंगे।
मैं बोला नहीं करोगे तो आप करोगे, और वो काम किया और माँ भगवती की कृपा से इतने अच्छे रिजल्ट्स आए कि मैं कभी कभी खुद हैरान हो जाता हूँ कि ये क्या कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मुझे लगता है कि ये उनके विश्वास का चमत्कार भी है कि वो लोग विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारा खेल जो है ये आपके विश्वास का, आपके भाव का, और आप कितना प्रबल तरीके से उस चीज़ को मानते हो। जो मानता है ना उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, और जो नहीं मानता उसको एक दिन मनवा लिया जाता है कि तुम मानो। ठीक है, और इसीलिए जो आज नहीं मानते वो कल मानेंगे, जो कल नहीं मानेंगे वो परसों मान जाएंगे, लेकिन मानना तो सबको है, क्योंकि इस संसार में सब करने वाली, सब कुछ होने वाला, सब कुछ कराने वाला वो खुद स्वयं है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए जो भी काम हो रहा है वो सब शक्तियों द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, आज बहुत सारी चीज़ें ड्रीम्स के बारे में मुझे भी पता चली, मेरे लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग था सारी चीज़ों को जानना। तो व्यूअर्स को बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके ड्रीम्स से रिलेटेड कोई भी ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू अगेन राजेश। धन्यवाद आपका, बहुत नमस्कार। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।